हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि कुल मिला के 41 कंपनियां जॉब लोकेशन के साथ राष्ट्रीय शिक्षक रोजगार मेला, जो कि दिनांक 21 अप्रैल 2022 को दिन गुरुवार समय प्रातः 10:30 बजे मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ये रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, और इसी से संबंधित एक बिल्कुल नया अपडेट अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिला है, जिसमें अब वो 41 कंपनीज बढ़ करके 43 कंपनीज हो चुकी हैं, दो कंपनीज और ऐड हो चुकी हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार डेली के डेली नए अपडेट्स आ रहे हैं इस 21 अप्रैल के मेले को लेकर के। तो मैंने पहले ही आपको 41 कंपनियों के बारे में बताया था, मैं दोबारा उतना समय आपका नहीं लूंगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि इस 41 कंपनियों में वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, एक नज़र आपको मैं बस दिखा दूं, देन आप आगे देख लीजिएगा कि कौन कौन सी और कंपनियां हैं। तो बच्चों, इसके पहले पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुल 41 कंपनियां आ रही हैं, एक ऑफिशियल ऑर्डर मैंने दिखाया था, ये ऑफिशियल ऑर्डर वही है। बस अब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इसके अंदर सारी की सारी कंपनीज को एक तरीके से आपको दिखा दिया गया है जॉब लोकेशन के साथ। जैसा कि यहाँ पर पहली कंपनी है ये माइक्रोटेक, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से आ रही है, ये इसका लोकेशन दिया हुआ है, ये ट्रेड्स के नाम दिए हुए हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर ये मंथली स्टाइपेंड और वेतन आपको जो बताया गया है, इसी तरीके से सारी कंपनीज को दिखाया गया है। आप चिंता ना करें, मैं तेजी से स्क्रॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं इस लेटर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल करता हुआ नीचे चला जाता हूँ, आपको टोटल काउंट दिखा देता हूँ कंपनियों का, क्या काउंट आ रहा है। ये टोटल कंपनियों का काउंट है यहाँ पर, 43 कंपनीज, ठीक है। ये कंपनी लास्ट में इसमें प्लम्बर मांगा गया है एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट। अभी बच्चों, कुछ दिनों पहले मैंने एक Q&A वीडियो अपलोड किया था, बहुत सारे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उससे रिगार्डिंग मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, जिसमें एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या होता है। तो मैंने बहुत ब्रीफली उसको बताया था, यहाँ मैं फिर बताना चाहूँगा। एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट का मतलब होता है, किसी भी छोटी से छोटी कंपनी में अगर आप अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं, तो आपको जो वहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा वो मिनिमम होगा 7,000 रुपये का, और उससे कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा पेमेंट, ठीक है, 1 रुपये भी कम नहीं मिलेगा, कम से कम आपको 7,000 रुपये का पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, हीरो होंडा है, बजाज मोटर्स है, ठीक है, ये सब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर आप अप्रेंटिसशिप वगैरह करने जाते हैं, तो वहां पर आपको 14,000, 15,000, 16,000, 18,000 तक का स्टाइपेंड आपको वहां पर से मिल सकता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस कंपनी में जाना चाहें, आप जिस कंपनी के एलिजिबल हैं, जहां जिस कंपनी में भी आपका अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होता है, आप बिल्कुल जाइए और ज्वाइन करिए वहां पर जाके। तो यहां पर है वो QR कोड, मैं इसको स्क्रॉल करता हूं नीचे की तरफ, आप देख पाएंगे यहां पर QR कोड मैंने दिया हुआ है, ये स्क्रीन पर मैंने QR कोड लगा दिया है। अपने मोबाइल से आप QR कोड को स्कैन करिए, फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, और फॉर्म ओपन होने के बाद उस फॉर्म को जैसे जैसे आपसे पूछा गया है वो आप उसमें भरते चले जाइए, और इस QR कोड को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, गूगल फॉर्म में भी आपको एक तरीका दिया गया है, गूगल फॉर्म जो कि QR कोड से भी ओपन होता है, लेकिन गूगल फॉर्म को भी आप ओपन कर सकते हैं, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन से आप उस गूगल फॉर्म को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वो गूगल फॉर्म देखते हैं किस तरीके से है। तो बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने एक लिंक आपको दिया है गूगल फॉर्म का, उसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आएगा, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बताया गया, इस रोजगार मेले में ITI पास अथवा बिना ITI के अभ्यर्थी भी प्रतिभाग कर सकते हैं, यानी ITI और नॉन ITI दोनों ही बच्चे। अगर जो ITI किए हुए हैं वो NCVT SCVT सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप नॉन ITI हैं तो मैं जस्ट अभी आपको आगे बता रहा हूँ, जो ITI पास हैं वो SCVT NCVT में से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस यहाँ पर आपको ITI का रोल नंबर लिखना है, जो बच्चे ITI पास हैं,
आईटीआई का नाम लिखना है जहां से उन्होंने आईटीआई पास किया है, ट्रेड का नाम लिखना है, सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। इसको ओपन करेंगे तो बहुत सारी ट्रेड्स यहां पर दी गई हैं, आप जिस ट्रेड के भी बच्चे हों आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर आप कैपिटल लेटर्स में पूरा अपना नाम लिख दीजिए। देखिए स्टार का ये मतलब होता है कि ये फील्ड मैंडेटरी है, मतलब जरूर भरनी है। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, यहाँ से आप महिला और पुरुष सेलेक्ट करेंगे, अपना वर्ग बताएंगे सामान्य वर्ग ओबीसी एससी एसटी, अपनी जन्म तिथि आप यहाँ पर लिखेंगे, जिस फॉर्मेट में लिखी उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ कैलेंडर को ओपन करके यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिखेंगे, और बच्चों आपको मैं बता दूँ ईमेल आईडी वही लिखिएगा जो आपकी पूरी तरीके से एक्टिव हो। उस ईमेल आईडी का आप बिल्कुल भी कृपया इस्तेमाल ना करें जो ईमेल आईडी बंद हो चुकी है, जिसको आपने काफ़ी समय से ओपन नहीं किया है। बिल्कुल सही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर वो जो हमेशा आप कैरी करते हैं, जो आपका अपना नंबर है वही यहाँ पर लिखिएगा। आईटीआई में प्रवेश का वर्ष आपको यहाँ लिखना है, आईटीआई में उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ लिखना है। यहाँ से शुरू होता है उन बच्चों का काम जो नॉन आईटीआई बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वगैरह जो आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। नॉन आईटीआई के बच्चे यहाँ से भरना शुरू करेंगे, और उसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम आपको यहाँ लिखना है, कोर्स का नाम आपको यहाँ लिखना है, कौन सा कोर्स आपने किया हुआ है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट। उसके बाद आप अपना रोल नंबर यहाँ लिखेंगे, प्रवेश का वर्ष आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जब आपने उत्तीर्ण किया था हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन वो आप यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप उत्तीर्ण वर्ष लिखने के बाद यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, जो बच्चे आईटीआई पास कर चुके हैं उनके लिए apprenticeshipindia.gov.in पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, या अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए। तो ये इस वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां से सीधे apprenticeshipindia.gov.in पर पहुंच जाएंगे। तो यहां से हम लोग क्लिक करते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं apprenticeshipindia.gov.in पर, और यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, फादर ऑब्लिक मदर ऑब्लिक स्पाउस का नाम। फिर उसके बाद यहां से आपको रिलेशन बताना है, यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना लिखना पड़ेगा जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है, जेंडर यहां से आप सेलेक्ट करेंगे, यहां से वो मोबाइल नंबर देंगे जिसपे कि आपका ओटीपी या और बाकी डिटेल्स पहुंचने वाली होंगी, बहुत जरूरी है। एक ऑल्टरनेट नंबर आपको यहां पर लिखना है, ठीक है, ऑल्टरनेट नंबर कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली का, ठीक है। एक ईमेल आईडी जो आपकी है, और उसी ईमेल आईडी को दोबारा यहां पर आपको लिख देना है। उसके बाद एक पासवर्ड आपको यहां से बनाना है, और पासवर्ड बनाने के बाद उसी पासवर्ड को यहां पर रीकन्फर्म कराना है, देन उसके बाद यहां से आप इसको सबमिट कर देंगे। एक मेल वेरिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और उस मेल से जब आप कन्फर्म कराएंगे देन नेक्स्ट स्टेज ओपन होगा, और उसको आप फॉलो करते हुए सारी डिटेल्स को भर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अप्रेंटिसशिप के लिए जो एक नंबर जनरेट किया जाना है वहां पर आप पहुंच सकते हैं। हाँ तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने लगभग सारी कंपनीज की डिटेल्स आपको बहुत ब्रीफली तो नहीं ओवरव्यू समझा दिया है। कंपनी की सारी डिटेल्स देखने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो पूरा का पूरा ऑफिशियल आर्डर डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, जिसमें बहुत ब्रीफ में 43 कंपनीज की डिटेल आपको दी गई है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे लगातार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, आप 21 तारीख के मेले में आइए और पार्टिसिपेट करिए। तो बच्चों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेसमेंट की किसी नई सूचना के साथ।